जागत जोत जगै जग पीतर जग जीत गुरु सब जानन हार परम पुनीत परमात्म शोभयातम पारस परस उदाहरण हार कल के कलु काल को कपट काल को कुटिल कुरीति काटन हार नाथ नथी सब ही नतमस्तक निव निव जावे सब संसार। आदर जो सत्संग जी आओ उस परम पिता परमेश्वर जिहड़ा साडी रूह दा मालिक है एक बारी गज के आखिए धन धन सतगुरु जगजीत सिंह जी। नाम सिमरन दे नाल जुड़िया होया मनुख अमृत वेले दे नाल जुड़िया होया मनुख रब्बी ध्यान दे विच मगन होए होए नूं ही गुरबाणी ने गुरु साहिबान ने जागदा मनिया है। गुरु के दर्शन करदिया गुरु के उपदेश ते चलदिया सतकर्म करदिया जे कोई है गुरबाणी ने उन्हूं जागदा मनिया है। ते बाकी सब सुत्ते ही मन्ने ने और बार बार आवाज़ मार मार के उठाने की कोशिश कीती है बार बार उपदेश कीता है। अज पंक्ति है सामने कहिंदे ने क्या सोवे है नाम विसार गाफल गह लिया किंती इत दरियाए वंजन वह दिया। सारी दुनिया नूं इह उपदेश कीता गया कि अपने अपने परमेश्वर नूं जिस जिस नूं तुसीं मानदे हो जिस धर्म दे विच हो उहदा नाम विसारो ना क्योंकि जदों असीं उहदा नाम विसारदे हां भुलदे हां जां नहीं जपदे ते गुरबाणी मुताबक ही असीं सुत्ते ही पए हां भावें अखां करके शरीर करके जाग रहे हुंदे हां पर साडी आत्मक जिंदगी सारी सुत्ती पई हुंदी है। गल इत्थे आत्मक जिंदगी दी है। क्या सोवे है नाम विसार गाफल गह लिया ऐ बेपरवाह मन ऐ गाफल मन तू नाम नू विसार के सो ना सोना घाटे का सौदा है इत्थे घाटे का सौदा। बेअंत परमान ने कबीर जी तो शुरू करते हैं कबीर जी हमेशा अमृत वेले उठ के राम राम का सिमरन करते परमेश्वर दे रंग विच रंगे जांदे अपने घर विच पर जिथे कोई लागे जां कोई सुत्ता मिल जांदा उहनूं उपदेश भी जरूर कर दे। कबीर जी दे उपदेश बड़े सीधे सरल पर चोट तिखी सी। कबीर उपदेश करदे कबीर सुत्ता क्या करे जे कोई सुत्या मिल गया तैनूं उपदेश करना कबीर सुत्ता क्या करे उठ के ना जप है मुरार एक दिन सोवन होए गो लांबे गोड पसार। कबीर कहिंदे ने तू हुण सुत्ता पिया है ते हुण तू उठदा नहीं अमृत वेला हो चुकिया है ते वो दूर मसीत दे विच्चों पहली नमाज दी आवाज़ भी आ चुकी है फजर की ते तू हजे फिर सुत्ता पिया। कबीर सुत्ता क्या करे तू सुत्ता ते है सुत्या करदा की पिया है उठ के ना जप हे मुरार तू उठ के उस मुरारी परमेश्वर नू उस भगवान का ध्यान क्यों नहीं धरदा क्यों। दूजी पंक्ति बड़ी सख्त है कहिंदे ने एक दिन सोवन होएगो लांबे गोड़ पसार। कबीर कहिंदे ने अज तेनू उठाण की कोशिश करांगे उच्ची उच्ची आवाज़ा मारांगे तेनू हिलावांगे तू उठ सकदा पर एक दिन वह भी है कोई आवाज़ कन्नी नहीं पैनी किसी दे हिलाया तेरा कोई भी शरीर का किवें भी तेनू हलचल नहीं होनी लंबे गोडियां तक हाथ पसार के सो जाएगा वह मना सदा दी नींद ते हुण उठ जा। पहला उपदेश फिर उपदेश आया कहिंदे ने कबीर सुता क्या करे बैठा रहो अर जाग क्यों जी कहिंदे ने जा के संग ते बीछरा ताही के संग लाग। कबीर कहिंदे ने तू सुता करदा की पिया सो ना सोना चंगा नहीं तेरे वास्ते बैठा रो चौंकड़ी मार के बह जा
जे नहीं बैठा जाता तो दीवार नूं पिठ लाल है जायज़ है लाल है। जे दीवार ते पिठ लाया भी थक गया लम्बिया पै के भजन करी जा पर उठा रहा है बैठा रहो यार जागदार थे है कि किसी भी तरीके शरीर की किसी भी हरकत नाल भजन विच ते अपने आप नूं जागृत अवस्था विच रखना है सुत्या नहीं। कबीर सुत्ता क्या करे बैठा रहो अर जाग जाके संग ते बीछरा ताही के संग लाग जिस जोत चों विछड़ के तू आया होया है वापस उस जोत तक जाना है पर वो सफर इन्ना सीधा नहीं है नाम सिमरन करके वो सफर सीधा हो जाना है ते जे नाम सिमरन नहीं कीता सुते रहे ते फिर सफर बड़ा ही टेढ़ बहुत टेढ़ 84 लाख गेड़िया चो घूमन घेरिया चो निकल के सफर मुकदा फिर उपदेश कीता कबीर सुता क्या करे जाग रोए पै दुख। ये बड़ी वड्डी गल है कबीर कहिंदे एक दिन सवेरे उठ के उठी अमृत वेले ते उठ के रोना शुरू कर इस गल ते किस गल ते कबीर कहिंदे ने जाका बासा गोर मैं सो क्यों सो वह सुख। कबीर कहिंदे ने ये मन च एक दिन उठ के विचार करके तू कबरां विच जाके सो जाना है ते तू सदा दी नींद सो जाना है ते तू हजे फिर नहीं उठदा जाका वासा गौर मैं जिन्हां लोकां दा वासा कबरां विच होवे वो कदी सुख दी नींद सौंदे ने उन्हां नूं ते चैन नहीं आउंदा वो हमेशा जागृत अवस्था विच रहिंदे ने। इतने उपदेश अपनी आत्मक अवस्था नूं जागृत करन वास्ते दित्ते गए। बाबा फरीद जी कहिंदे ने फरीदा पिछल रात ना जाग्यो जीव दड़े मोयो हो जे किते तुसी अमृत वेले नहीं उठ के जागदे नहीं इशनान पानी करके ते उपरंत रब्बी सिमरन विच नहीं लगदे ते जिउंदिया जी मोया दे बराबर हो जिउंदिया जी मोया दे बराबर। फरीदा पिछल रात ना जाग्यो जीव दड़े मोयो हो जे तै रब विसारिया ते रब ना विसरियो हो तू ते रब नू विसार दिता है तू नींद प्यारी कर लिती है पर रब ने तेनू नहीं विसारिया उन्ने वेख लै फिर तेनू गहरी नींद दे विचों कुछ कु घंटिया बाद जिंदगी फिर दे देनी है। हर दिन साडे उत्ते जिंदगी दी दात हो रही है नवा जीवन मिल रहा है एक नींद चों रब दे रहा। उठ गल इत्थे है उठण दी सुते ना रो। बाबा फरीद जी की ये पंक्ति है होर यहो जी बेअंत पंक्तियां ने एक पाठ आंदा चल आगे उठ हर नाम जप निसवा सुरिया राद कारा तुझे ना व्यापई नानक मिठे उपाद तू उठ जा ये वड्डा वेला आया है अमृत वेला है इनू एवें अंजाई ना गवा। उपरंत बाबा बुल्ले शाह एक दिन सवेरे उठिया उठ के कई दिनों तो महसूस कर रहा सी क्योंकि पुराने समय में लोग जां ते घरां दे बाहर जां कोठियां दे उत्ते खुले वेड़ियां च सौंदे हुंदे सन उह सवेरे उठ के जो भजन करन बहना तो कोठियां ते लोकां सुते होना किसी की घरड़ करड़ की आवाज़ उधरों किसी की घराड़ियां की आवाज़ उत्थों घराड़ियां तो तंग आ गया बड़ा आखे लै एक तो भजन करन बैठी है वो तो घराड़े नहीं सुन देंदे। बाबे बुल्ले शाह ने उपदेश ही उहो जिहा बना लिया वो जदों उन्हें बोलना ते लोकां ने त्रबक के उठ जाना भी गल सच्ची है दिल ते चोट वजनी ते लोकां दी नींद टुट जानी। की उपदेश करदे हुंदे सन जदों भजन करदियां करदियां किसी ने घराड़े दी आवाज़ आनी ना कण च पै जानी भी ये हुण भजन विच विघन बनदा है ते बाबे फरीद ने ते बाबा बुल्ले शाह ने तकरीबन दोहां दे उपदेश इको जी ने शब्दां दा फर्क आ बस ते बाबा बुल्ले शाह आखदा है कहिंदा उठ जाग घराड़े मार नहीं ये सौन तेरे दरकार नहीं तू उठ जा उठ के घराड़े ना मार ते ये जड़ा तू सो रहा है ना तेनू चंगा नहीं लगता। ते बाबे फरीद ने नाल चार बैंत होर जोड़ लेते उची उची कहने लोगों ने उठ पैना ये सारी इस तरह ही यदा उपदेश बाबा बुल्ले शाह दा कहिंदा उठ जाग घराड़े मार नहीं ये सौन तेरे दरकार नहीं किथे है सुल्तान सिकंदर मौत ना छड़े पीर पैगंबर सब छड़ छड़ गए अडंबर ते इत्थे कोई पाएदार नहीं उठ जाग घुराड़े मार नहीं जो कुछ कर सैं ओही कुछ पासैं नहीं ते ओड़क पछो तासैं सुन्नी कूंज वांग कुरलासैं खंबा बिन उडार नहीं उठ जाग घुराड़े मार नहीं। एक रोज़ जहानू जाना है असी कबरां विच समाणा है
ते साडा गोश्त कीड़िया खाना है, कर चेता तू विसार नहीं, उठ जाग कुराड़े मार नहीं। ते बुले शोबिन कोई नाही, इत्थे उत्थे दोई थाई, ते समझ समझ के कदम टकाई, फिर आवन दूजी वार नहीं, उठ जाग कुराड़े मार नहीं। हुण सवेरे सवेरे जिहदी कन्ना च इहो जिहे शब्द पैण, उहदी ते नींद खराब होई होई ना, लोकां ने उठ पैना भजन करन लग पैना। साडे विच संत चन्नण सिंह हुंदे हुंदे सन जर्मियां, पाकिस्तान च रह गया पिंड, सवेरे उठ के भजन करना, इक्को दम ध्यान पैना जदों लोक सुते हुए ने ना, उच्ची नाल उपदेश कर देना, एक 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 थी अनेक, एक थी अनेक, रब दा फलसफा प्रगट कर देना, उच्ची शोर करना भी लोग जाग पैण। सो यह कोशिश हमेशा रही है कि सुतिया ना जावे, आत्म अवस्था तो हमेशा जागृत रहा जावे, हमेशा जाके ते परमेसर दे सेवरण विच लिवलीन होया जाए। ता पातशाह जी दा फरमान सी, कहिंदे ने क्या सोवे है, क्यों सोना है, नाम विसार गाफल गह लिया, किंती इत दरियाए वंजन वह दिया। ए उमर एक दरिया वांगू लंघदी जा रही है, लंघदी वापस मुड़नी नहीं। ते इस गल दी ही फिक्र कर लै, की करिए जी फिक्र, उपदेश करते ने, कहते ने बोहेथड़ा गुर चरण मन चढ़ लंघी है, आठ पहर गुण गाए साधु संगी है। गुरु के चरण जहाज का काम करते ने, गुरु के चरण एक किश्ती ने, उहदे च भजन बाणी का आसरा लैके चढ़ जा, बैठ जा। बोहेथड़ा गुर चरण, गुरु के चरण जहाज ने तेनू पार करनगे ही करनगे। मन चढ़ लंघी है, ऐ मेरे मन चढ़ जा, गुरु के चरणा के उत्ते सवार हो, मन चढ़ लंघी है। आठ पहर गुण गाए तो हमेशा उस परमेश्वर का सिमरन करता रहो, सिमरन करता रहो। आठ पहर गुण गाए साधु संगीए, किसी साधु का संघ, कोई भजनीक मनुख जिदा भजन में बहुत ध्यान लगता, वो लागे लागे हो जा, क्योंकि वो लागे लागे होने नाल तेनू भी भजन की आदत पै जानी है। आठ पहर गुण गाए साधु संगीए, सहो जे साधु दे संग कर। अगे हुक्म है, कहिंदे ने कप्पड़ भोग सुगंध तन मर्दन मारना, हर की भगत बिना सर पर चालना, महाबिखम संसार विरले पेखिया, ते छूटन हर की सरन लेख नानक लेखिया। कहिंदे ने ए संसार तो तरना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि सारी दुनिया सुती पई है, सारी दुनिया किसी नू किसी दे शौक उठन नहीं देंदे भगती वाल, किसी नू माया दी दौड़ उठन नहीं देंदी आत्मक अवस्था वाल, किसी नू कोई घरेलू, किसी नू कोई कारोबार इत्यादिक, हर कोई इस जगत दे विच सुत्ता पिया है, जागदा सिर्फ ओही है भजन बाणी वाला। गुरु नानक देव कहिंदे ने छूटन हर की सरण, हरी दी एक सरण इहो जी है जिहदे विच छुट सकदे हो। ते लेख नानक लेखिया, जिन्हां दे मत्थे उत्ते नाम सिमरन करन दा लेख लिखिया वो छुट गए, या जिन्हां ने नाम सिमरन करके कमाई कीती वो इस तो पार होए। बड़ा पुराना एक इतिहासक कथा है, एक बारी गज के आखिए धन सतगुरु नानक देव जी, कि ये जिहड़े लेख लिखे गए ना, जिन्ना कु समा भगती दे विच लिखिया गया उही साडे लई सफल है, उहदी ही गिणती अगां जाके बहुत ज़्यादा होंदी है। गुरु नानक देव जी दे समय की एक कथा आती है, गुरु नानक देव बाला ते मरदाना जाउंदिया जाउंदिया एक राह ते जांदिया किसी इलाके विच दाखल होना सी, ते पहले पिंडां ते शहरां तो बार बार ही कब्रस्तान हुंदे हुंदे सन। ये लंघदियां लंघदियां ते मरदाने दी नज़र पई कब्रस्तान वल, ते कबरां दे उत्ते पत्थर लगे सन, ते पढ़दा जावे पढ़दा जावे, किसे उत्ते लिखिया ऐ बंदे दा नाम है, इहदी उम्र एक साल है, इन्नी तरीक नूं चढ़ाई कर गया। इस तरह अगे गए, अगे लिखिया ऐ फलाना आदमी ये नाँ, ते इन्नी उम्र, उम्र किन्नी कु सवा कु दो साल चढ़ाई कर गया, कबर च है। इस तरह करदियां करदियां जिन्नी कबरां मरदाना वेखी जावे चली जावे, किसी दे उत्ते पांच सवा पांच साल तो उत्ते लिखिया ही नहीं उम्र। कब्रस्तान दे लागे जाके गुरु नानक देव जी नूं आंदा, आंदा जजमान गल सुनो मेरी, आपां किते बला वाले थां ते जान दे आ, इत्थे ते कोई है ही नहीं वड्डी उम्र वाला, सारे छोटे छोटे चढ़ाई कर जांदे ने, आपां नहीं जाणा इत्थे, आपां मुड़ीए इत्थों। गुरु नानक देव हास के कहिंदे ने मरदानिया जाना नहीं, अगे चल के देखते हैं
की माजरा है, अगे चल के वेखिए। ठीक है जी, चलते गए, बचन मनिया, चलते चलते जो उस पिंड गए तो पिंड सत्थ दे उत्ते बजुर्ग बैठे हुए वड्डे वड्डे, किसी 70 साल की उम्र का, 90 साल की उम्र का, बहुत घने बजुर्ग भी बैठे हुए। मरदाना वेख के हैरान हुए, कहिंदा बाबा जी इस पिंड का कब्रस्तान है, उत्थे 5 साल तो उम्र किसी की नहीं लिखी पत्थर ते, तो इत्थे वड्डे वड्डे बजुर्ग बैठे ने। गुरु नानक देव कहिंदे ने इसे वास्ते लै के आया, पुछदे आ ना। चली अगे अगे एक सज्जन मिलिया, गुरु नानक देव इशारा किया इहनू पुछ। उहनू सवाल किया गया, जी तुहाडे पिंड दे बाहर कब्रस्तान विच किसे दी 2 साल उम्र, किसे दी 3 साल, 4.25 साल, 1 साल, 1.5 साल, 5.25 साल तो उत्ते किसे दी उम्र नहीं लिखी, ये की माजरा है? ते पिंड विच सारे वड्डे ही ने, कोई 70 साल, कोई 60 साल, 50 साल तक दे भी सारे वेखन दे आ, ये माजरा की है ये दसो। वो कहिंदा जी बड़ी सिद्धी जी गल है, इस पिंड विच सारे भजन करदे ने, नाम सिमरन करन वाले ने, ते जिस दिन तो बच्चा होश संभालदा ते होश संभालण तो पहले ते उहदा जिन्नी देर उहदा माता पिता लिखदे रहिंदे ने भी अपने बच्चे वास्ते असीं इन्ना भजन कीता, वह लिखीदा सी रोज़। जदों बच्चा होश संभाल लैंदा, जे उहने एक दिन विच 5 मिंट भजन कीता ना, ते असीं वह तरीक पा के उहदा 5 मिंट लिख दिंदे आ। जे अगले दिन उहने 10 मिंट भजन कीता, असीं 10 मिंट लिख दिंदे आ। इस तरह करदिआं कराउंदिआं सारी उम्र, जे उह 50 साल जीविआ ते 50 साल की उम्र विच उन्हें किन्ने टाइम भजन कीता, उन्ने घंटे मिंट ते सैकंड जोड़ के असी उहदी कबर उत्ते लिख दिंदे आ कि इस मनुख की असली उम्र यह है जिहड़ी इहने भजन कीता, बाकी तो सुतियां ही गई दुनिया वांगू। लेख नानक लिखिया, नाम सिमरन करन वालियां दे उस मत्थे च लेख लिखे जांदे ने, ते उहनां दे लेख लिखियां दे ही नाम सिमरन कर सकदे ने। गुरु नानक देव कहिंदे ने मरदानिया लगा पता, जीवन भावें 100 साल दा है, पर जे 100 साल दे विच 5 साल ही भजन कीता तो 5 साल ही फायदेमंद है, वह 5 साल का ही लाहा मिलना है, 5 साल का ही। इस वास्ते सुतियां ना जिंदगी बिताई जाए, आत्मक अवस्था जागृति दे नाल बिताई जाए हमेशा। और इहो जिहे बेअंत प्रमाण छोटी छोटी साखियां दे विच समझा दूं। एक छोटा जिहा बच्चा तकरीबन 6-7 साल का, 6-7 साल का, तो उन्हें योग धारण कर लिया। योग धारण करके उन्हें यह किया कि सारे दिन भजन करना, जदों भुख लगनी तो जड़ा लागे पिंड होना जाके लोगों तो उसने भिक्षा मंग लैनी करनी। एक दिन भुख लगी, किसी के घर गया, जाके दरवाजा खड़काया, दरवाजा खड़काण विच उस घर की जिहड़ी नूह सी वह बाहर आई, उन्हें आण के वेख्या भी दरवाजे के सामने तो कोई खलोता ही नहीं, दरवाजा किन्ने खड़काया। वापस मुड़न लगी, धोन थले हुई तो बच्चा खलोता होया, बड़ी हैरान हुई। कहती है कि उन्हें प्रश्न किया उसनू, उन्हें कहती है मुनि अज हूँ सवेर, कि तेरी जिंदगी दी हजे सवेर हजे पोह फुटी है, तो तू योग धारण कर लिया, तो तू भिक्षा धारण करके भगवें कपड़े पाए ने, गल की है तेनू? वह बच्चा कहिंदा माता मम डर काल का, मैनू समय का डर है कि जिहड़ा समा एक बारी हथों निकल गया वह निकल ही गया, वापस नहीं परतदा। किंती इत दरियाए वंजन वह दिया, ये तो वेंदा होया दरिया ए वह रहा वापस नहीं परतदा। वह बड़ी खुश हुई, आखे इन्नी उम्र दे विच इन्नी समझ होनी बहुत वड्डी गल है। अगों बच्चे ने उन्हें एक प्रश्न किया, बच्चा कहिंदा माता ये दस तुम कर क्या या चार, तेरे घर विच की आचरण है, कोई नाम सिमरन भजन बंदगी करदे ने कि नहीं? ते उस घर दी नूह ने बड़ा सोहना जवाब दिता, उन्हें आख्या हम घर बासी खात है, साडे घर सारे बेआई खांदे ने। वह बड़ी हैरान होया सुन के, आखे गल की है? पिछे सस बैठी सी, वह पिछों शुरू हो गई, आखे लै तेनू किन्ने क्या इतने बासी खाने, रोज़ तो आप पका के सानू खवानी है। वह कहती है माता जी ये गल नहीं, ये भगती वाली गल है, मैनू ये दसिया है कि इन्हों के घर सारे सुख ने, अज सारे सुख ने, यह पिछला बीजिया होया,
ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਜੋ ਕੀਤਾ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵੱਢਣ ਦਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ ਕੋਈ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖੇ ਜਾਣਾ, ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੱਤਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਗਿਆ ਖਾਏ। ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਾਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਬੀਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਭਜਨੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਤਿਆਂ ਗਈ ਵਿਹਾਏ, ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰੋਂ ਜਾਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆਤਮਾ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁੱਤੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਰਸਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਭਜਨ ਫੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਭਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜ਼ਰਬੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜੱਜ ਖਾਂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।